बेगा बेगा रिसा जो और मैं रिसा हूँ, पाछो राजी हो जाऊँ, थे राजी हो जाऊँ। पर ये जरूर कहते थे कि साहब थोड़ो मजो कम आवे, ए लड़े को नहीं थे लड़ लो, मैं था तो लड़ाई वालों आदमी थी थे। वो तो क्यों सर की जनता बनी है मेरे लिए और मैं बनाऊँ आपके लिए। दादा कहेंगे तो रात को सोचूंगा एक जगह और मन बना सकता हूँ, कोई पता नहीं मेरा कि रात विचार करूंगा, कागज पांडे तो तैयार करूंगा ही करूंगा, क्या पता लड़ना पड़ जाए। तो मशीन के अंदर कागज बोले सबूत ही नहीं छोड़ता पीछे। टूटी फूटी सरकार ऐसे चल रही हो राजस्थान का, आप सरकार के अंदर आ रहे हो। मैं धन्यवाद दूंगा क्यों उत्तर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल को, जिसने 5 साल कभी किसी तरह की शिकायत मेरे पास नहीं आने दी। सारे लोग ये जरूर कहते थे कि साहब थोड़ो मजो कम आवे, ए लड़े को नहीं थे लड़ लो, मैं था तो लड़ाई वालों आदमी थी थे। वो तो मैं ही हूँ था, मतलब ऐसा है क्यों सर की जनता बनी है मेरे लिए और मैं बनाऊँ आपके लिए। थे बेगा बेगा रिसा जो और मैं ही रिसा हूँ, पाछो राजी हो जाऊँ, थे राजी हो जाऊँ। 5 साल में छोटी मोटी कोई बात होगी, वह 5 साल में अगर क्या कि आप तो जानते हो कि परेशान आदमी जब वो व्यवस्था को ठीक करना चाहता है उसे लगता है कि उसके आसपास की टीम काम थोड़ा सुस्त कर रही है तो उसे गुस्सा आ जाता है। मेरे पास तो हर व्यक्ति काम लेके ही आता है, रैलियों में आप संख्या लेके आते हो, कई बार मैं परेशान हो जाता हूँ। बड़े भाई के नाते अगर छोटे भाइयों को कह दिया कुछ तो घर में भाई और पिताजी भी डांट देते हैं। बुजुर्गों का तो सम्मान हमेशा मैंने किया, लेकिन कम समय दिया ये आपकी शिकायत रहती है। समय तो कम नहीं दिया, रहा तो इधर ही हूँ आसपास, और ज़्यादातर खी उतर वाले बाहर जाता हूँ तो गाड़ी घोड़े लेकर 100 गाड़ी तो साथ ही चलती है, मेरे साथ ही रहते हो टाइम आप लोग। लेकिन फिर भी चूँकि आज मैं राजस्थान के अंदर जहाँ खड़ा हूँ उसमें खेवसर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिका आपका ऋण है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। और 43 साल से मुंडवा खेवसर और पूरे जिले ने जो ऋण मेरे ऊपर उपकार किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लोग वोट लेकर चले जाते हैं, जनता को बेच देते हैं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, लड़के नए राजस्थान के निर्माण का सपना सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं इस जिले के अंदर जिस नहर को रोका गया 60 साल पहले, जिस शिक्षा को रोका गया, इसके उत्तर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का पहला विधानसभा क्षेत्र है जहाँ 6 नए कॉलेज खुलवा दिए, गांव गांव में कॉलेज खुलवा दिए, उसको चेरा गांव के अंदर जहाँ से राजनीति चलती थी उसमें भी कॉलेज खुला के और अंदर सीसी रोड बना के संदेश दिया, अब मैं आ गया हूँ, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वोट कम मिले या ज्यादा, हनुमान बेनीवाल के इलाके के अंदर कोई व्यक्ति आए तब वो ये बोले कि वाह क्या विधानसभा क्षेत्र है, मजा आ गया, विकास ही विकास से, ये मेरा भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा। मैं इस सोच का व्यक्ति नहीं हूँ कि ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, पटोगे तो लड़कियाँ भाग जाएगी, इस सोच का हनुमान नहीं है ये। तभी तो आप देखिए कि सारे हमारे बच्चे आज देश के विभिन्न जगह इस शिक्षा के साथ साथ खेल शिक्षा रोजगार हर जगह नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने जो वादे किए उनको पूरा करने का प्रयास किया, खेवसर में सड़कों का जाल बिछा, कुछ सड़कें चालू हुई, और नागौर शहर में शायद राजस्थान के अंदर ये पहला शहर होगा जहाँ का सांसद मंत्री नहीं सरकार के अंदर, लेकिन बल्लभ चौराहे से लेकर मानासर, उस बीकानेर पुलिया से लेकर गोगलाव, अट्ठासन से लेकर वापस रोड आएगी आपकी बल्लभ चौराहे, इस बाईपास चिमरानी वाले से लेकर वापस 4 लेन सारी, ये पुराने बाईपास से लेकर मंडी, हाईटेक स्मार्ट सिटी नागौर बनने जा रहा है। मोदी से लड़ाई है काम करवा रहा हूँ, गहलोत से लड़ाई है काम करवा रहा हूँ, किसी को ये नहीं कहता कि मेरी चलती नहीं मैं काम नहीं कराऊंगा, मैं कहता हूँ कागज दे दो काम हो जाएगा। और एक दिन मैंने कागज तोले तो 15 किलो कागज हुए, 15 किलो कागज आ गए थे। प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल ही काम नहीं करूँगा, थे खुद ही कहते हो कभी कागज नाग दे ले यार मशीन है। एक नेता के मैंने देखा, मैंने कहा नेताजी इतने कागज इकट्ठे करो इनको संभालते कैसे हो,
बोला आप अंदर चलो, अंदर देखा तो मशीन के अंदर कहा, बोले सबूत ही नहीं छोड़ता पीछे, कहा कह देता हूँ लिख के दे दिया अगले को। एक हमारी जिले की नेता कल भाषण दे के गई, अपनी बहन है वो, तो उनको कहा कि हनुमान तो शादियाँ अटेंड बहुत करता, शुरू शुरू की बात है, वो तो 40-35 शादी अटेंड कर ली। बोले मैंने 45 कर ली। बोले आपने 45 तो कोई कर ही नहीं सकता, 15-15 मिनट लगाओ तो भी कितने घंटे हो जाते हैं, तो आपने 45 कैसे की नेताजी? वो बोली कि मेरे पास जो 45 कार्ड आए थे मैं सिराने रख के सो गई उनको, तो अपना आप 45 अटेंड हो गई। तो भाई ऐसे लोग भी हैं आपके सामने, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, कौन वक्त पे आपके बीच आएगा। मैंने एक धरना प्रदर्शन देते हुए नहीं देखा 60 साल में, मुझे कोई याद ही नहीं कि मैंने इतिहास उठाया। मैंने कहा देखो विधानसभा के अंदर कितनी बार कुर्सी फेंकी, तो बिल्डिंग होती है कुर्सी उठती नहीं अंदर, तो लोकसभा में कुर्सी ना सस्पेंड मैं ही हुआ हूँ 5 बार, राजस्थान में रिकॉर्ड मेरे नाम ही है कि 5 बार निलंबित हुआ राजस्थान की विधानसभा से, बीजेपी से, विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, सब जगह निलंबित। किस लिए हुआ? आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो सरकार तैयार है, दिल्ली की मिनिस्ट्री छोड़ी, यहाँ की छोड़ी, लोगों को पता नहीं मंत्री कितना बड़ा लगता। मेरे साथ रहने वाला मेरे से परेशान ही है सारे लोग, मेघ सिंह जी, भंवर जी ये कहते थे मंत्री कैसे बनो, मैं तो बूढ़ा हो जाऊँ, बात तो सही है। और सरकार में आए तो क्योंकि पांती सब लोगों की पड़े सरकार में आऊँ, कोशिश तो ये कर ही रहा हूँ कि सरकार में आए। योग संयोग ऐसा बैठता है कि लास्ट में लगता है कोई लड़ने वाला ही नहीं, कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा, फिर 5 साल निकल जाते हैं। लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बार टूटी फूटी सरकार ऐसे चल रही हो राजस्थान का, आप सरकार के अंदर आ रहे हो ये तय है, और तेजाजी महाराज की कृपा रही और थोड़ी सी हिम्मत आपने रखी तो निश्चित रूप से इस बार सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी, और आपके हाथ में सत्ता की चाबी होगी फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो सत्ता आप ही होंगे। मैं तो कभी कभार जो लोग मुझे दूर से नहीं जानते वो जरूर कहते हैं कि हनुमान जी कैसे व्यक्ति हो जो मेरे साथ 2 दिन बैठ जाता है बात करता है, उसको लगता है कि अगर आम आदमी की फीलिंग आती है, जिसमें भाई की फीलिंग आती है, जिसमें अपने परिवार की फीलिंग आती है, वो तो हनुमान बेनीवाल है जिसकी कतनी और करनी के अंदर अंतर नहीं, अपने आदमी के लिए वो लड़ता है और जब लड़ाई होती है वो आगे हो जाता है, मेरा कोई भी गोली मेरा सीना चीर के जाएगी, मेरे भाई का और मेरे लोगों पर आँच नहीं आनी चाहिए, ऐसा नेता राजस्थान के अंदर कोई मिलेगा तो कहने की आवश्यकता नहीं, वो आपके सामने। वैसे कई लोग मुझे कह रहे हैं कि 2 जगह से चुनाव लड़ लो, 1 जगह का तो फार्म भर दिया मैं, ज़्यादा कहेंगे तो रात को सोचूंगा, एक आध जगह और मन बना सकता हूँ, कोई पता नहीं मेरा, हो सकता है मैं जहाँ भी जाऊँगा ये तो तय है। मैंने जैसे ही घोषणा की मैं उधर आ रहा हूँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ब्लड प्रेशर हाई हो जाएंगे दोनों पार्टियों के, लेकिन अभी बोल नहीं रहा हूँ, लड़ूंगा कि नहीं लोग विचार कर रहा हूँ, आज की रात विचार करूँगा, कागज पांडे तो तैयार करूँगा ही करूँगा, क्या पता लड़ना पड़ जाए, हेलीकॉप्टर का भी भरोसा नहीं, ये खराब हो जाए दूर रहूं फिर तो, मैं नज़दीकी देखूंगा इलाका, 3-4 घंटे में पहुंच जाऊं, ऐसी जगह रहूंगा कल रात को, मैं मेरा फार्म डाल दूं जाकर, फार्म डाल दूंगा तो डालना ही पड़ेगा, इनको पूछ लूंगा पहले खेमसर वालों को, अगर ये कहते हैं टी फिरता रहो टी फिरता रहो, कह लगा रहो क्यों, अब इनका भी मन नहीं लगेगा, तो लगे रहो, हम राजस्थान, हम राजस्थान में घूमना है, और राजस्थान के लोग कहते साहब हम खेमसर में देख के आना चाहते हैं कि खेमसर लाग थे कहीं कर दियो इसो, वो चाहते हैं, उनको पता है कि यहाँ के लोग बड़े मजबूत है, जिन्होंने एक किसान के बेटे को विपरीत परिस्थितियों के अंदर, मुझे याद है 2001 के अंदर जब कत्ल के झूठे केस के अंदर जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने हनुमान जी को बचाया, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, सबके नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है कि एक आध की मुझे कहीं मदद करनी पड़ जाए कहीं कहीं आने वाले दिनों में 1-2 दिनों के अंदर, लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भाषण दे रहा है, सबसे ज्यादा 302 में फंसाने के लिए उतने ही प्रयास किया, FIR खुद ही अपने घर पे बैठ के लिखवाई थी उस आदमी ने, आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा, चलता रहता है, वक्त है, बुरा वक्त था चला गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन दुख के दिनों के अंदर
आपने मुझे मजबूती दी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उन दुख के दिनों के अंदर जो व्यक्ति मेरे साथ था वो कितना ही खिलाफ हो जाए उस व्यक्ति का नुकसान मैं नहीं करूँगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चाहे वो मेरे खिलाफ कितना ही घूम ले, कुछ मेरी आदतें भी हैं, ऐसे नहीं हर कोई कहता हनुमान जी खिलाफ चले जाओ, हनुमान जी ऐसे कर देते वैसे कर देते, अरे मैं थोड़ा ही कर देता हूँ ऐसे। कानून का कोई उल्लंघन करेगा, कानून अपना काम करता है। मुझे भी सजा हुई थी 2 साल की, मैं भी जेलों के अंदर रहा था, बरी हो गया, आपका आशीर्वाद से बाहर निकल गया, परिवार खो दिया, लेकिन कभी आपको ये नहीं कहा। सबके आंसू पहुँचता हूँ इस देश प्रदेश के अंदर। एनएम सिंह जी आगरा से आते हैं, अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान मेरे पास आ गया, हरियाणा का कोई व्यक्ति आ गया, साहब मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सामने वाले बहुत बड़े गुंडे बदमाश है, मैं कहता हूँ बैठ जा। लगा क्या बात है भाई, क्या तकलीफ है? बोले कुछ नहीं साहब, बैठा के राजीनामा करा दो। मैं कर रहा हूँ ना प्रयास आपके लिए, मैं सबके आंसू पहुँच रहा हूँ, लेकिन आप ये बताओ जब मैं तकलीफ में हूँ मेरे दुख दर्द आपको नहीं बताता, मेरे दुख दर्द वीर तेजाजी महाराज और ऊपर वाला मिटाता है, तब मैं आपको दुख में नहीं डालता। आपको अगर कहूँगा तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे, मैं आपको कमज़ोर नहीं देखना चाहता। मैं मेरी जो पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं मेरे पास रखता हूँ, और आपकी पीड़ाएं उनकी माला पहन के घूम रहा हूँ इस प्रदेश देश के अंदर, कि मेरे भाइयों को मजबूती दूँ, उनको सत्ता का सुख मिले। मुझे तो मिला हुआ सत्ता का सुख, MP MLA मंत्री प्रधानमंत्री जहाँ मोदी बैठता वहीं मैं बैठता हूँ, लोकसभा में तो साथ ही बैठते हैं, 20 मीटर दूर बैठते हैं, CM जहाँ बैठता है बैठे मैं वहाँ पे। अब तो आपने सांसद बना दिया, पिताजी को विधायक, छोटे भाई को विधायक, इतना कुछ दे दिया और इतना बड़ा नाम दे दिया राजस्थान के अंदर कि ये नाम मिटेगा नहीं अब राजस्थान के अंदर। इतना बड़ा नाम आपने दिया, लोग नाम के लिए तो सब कुछ करते हैं, नाम आपने दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस नाम को और आगे बढ़ाते हुए, इस नाम के अंदर किसान जानमान का नाम आए, इस देश के अंदर लगना चाहिए कि किसान कौम का रखवाला खड़ा है। हनुमान किसान, हनुमान जवान, शोषित पीड़ित दलित की आवाज़ हनुमान, अल्पसंख्यक की आवाज़ हनुमान, वो नजर आना चाहिए। यही प्रयास मैं कर रहा हूँ कि आप सबको एक धागे में, सबको एक साथ पिरो के मैं नए राजस्थान का निर्माण चाहता हूँ। आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार बहुत तेजी से आप सत्ता के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हो, सत्ता नज़दीक है। खेवसर का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन नागौर का ध्यान भी रखना है। आज और कल के अंदर नागौर में बड़े परिवर्तन होंगे, कई उम्मीदवार घोषित होंगे, कई आएंगे। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमारी पार्टी को कैसे हम जिताएं। हमारी पार्टी सत्ता में जब आएगी, जब हम चुनाव जिताएंगे। इस जिले के अंदर कई जगह RLP हो सकता है कि 1-2 सीटों पे अभी हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत कंटेस्टिंग स्थिति के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर नागौर की सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। अभी मैंने जितने टिकट दिए हैं, जायल, मेड़ता, परबतसर और खेवसर, तो आपका खुद का टिकट है खेवसर वालों का, तो 4 तो उतारे अपन ने। अब जो चारों की स्थिति अच्छी है, जोरदार चारों की स्थिति बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये दिख रहा है आप सबका जोश। बाकी जगह जो है वहाँ हम और आज और कल के अंदर ये निर्णय करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। और इस बार मेरी सूचियों में एक चीज़ आप देखोगे, RLP की सूचियों के अंदर मेघवाल, नायक, बावरी, रेगर, खटीक, वाल्मीकि, मुस्लिम, हर समाज, हर शोषित पीड़ित ज़्यादा दिखाई देगा आपको इन सूचियों के अंदर। आपको लगेगा कि पहली बार हमारे ऐसी पार्टी राजस्थान के अंदर आई है जो सबको साथ लेके चल रही है। भाई बाबूलाल जी भी बैठे हैं, हमारे सुजानगढ़ प्रत्याशी जो रेगर समाज से आते हैं। मैं मीडिया के अंदर पढ़ रहा था कि रेगर समाज ने कहा कि हमें टिकट नहीं दी पार्टियों ने, और मैंने कहा बाबूलाल जी, सीताराम जी, मैंने कहा इनको करवा दो, क्या कर दो, ये मिल गई टिकट। ऐसे ही मिली टिकट सब लोगों को, कई हमारे लाइन में लगे हुए हैं प्रत्याशी, आज रात को और कल तक उनका भी हो जाएगा। जिनको टिकट नहीं मिले उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, जो MLA बन गया वो भी RLP में उतना ही मजबूत है, और जो मेरा कहना मान के साथ में खड़ा हो गया, अगर सरकार आ गई, चिंता मत करो,
वो मंत्री के दर्जे तो ऐसे ही बंटेंगे, सबको दे देंगे, क्यों चिंता करो आप इस बात की। मैं बैठा हूँ ना, मेरे पे भरोसा रखो आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक बार राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, कि किसान जवान थाने तहसील में जाए तो थानेदार के डंडे से डर नहीं लगे, थानेदार बोले कि चाय पियोगे कोल्ड ड्रिंक पियोगे, बाबा जी बैठो बिराजो कोल्ड ड्रिंक मंगाओ या केसर की चाय। यह व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूँ, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया, हमें खींवसर भी पहुँचना है। और धीरे धीरे आपको एक मैंने शपथ दिला रखी है, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 60-70 मैं जाऊँगा, और धीरे धीरे आपको चलना है। अपन खींवसर चलेंगे, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, फिर मैं जयपुर जाऊँगा और दोबारा अपन मिलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। दो चार जोरदार जयकारे लगाएं, जय बोले तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की, जमो जी महाराज की, गजानन जी महाराज की, बंसीवाला की, ख्वाजा साहब की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जसनाथ जी महाराज की। पुलिया के ऊपर से चलेंगे, धीरे धीरे चलना है सबको, आराम से ठीक है, धीरे धीरे चलना है।